भारी भीड़ पता नहीं इधर भाग जाती है यार फटाक से। हाँ यार फटाक से। ये लाल वाला देखो यहाँ पे, इसका पूरी गाड़ी में लाल आलू है। जय जवान जय किसान, नमस्कार दुआ सलाम। मैं राशिद और आप लोग देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल रियल कनेक्शन एंड न्यूज स्टोरीज। आज दिनांक 21 जनवरी 2024 है। सबसे पहले तो किसानों के लिए एक सूचना ये है कि 22 जनवरी को किसान भाई आलू लेकर ना आए। 22 जनवरी को आलू मंडी छिबराऊ में कोई खरीद बिक्री नहीं होगी। और आइए जानते हैं मंडी में जो झुलसा वाला आलू आ रहा है, कुछ लोग नहीं मान रहे थे, वो आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि आलू का आप लोग साइज़ देखना, साइज़ की वजह से रेट अच्छा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि आज खेतों का भाव सफ़ेद आलू जो है 400 रुपये प्रति कट्टा तक बिक्री हुआ है और लाल वाला 460-470 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से लाल आलू की बिक्री आज खेतों में हुई है। और मंडी की बात तो मंडी से ही जानते हैं कि मंडी में आज क्या कैसा भाव रहा है। और भाई साहब आप लोग ना थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, आप लोग जो है ना लाइक कर दिया करो। चलो आप लोग करते नहीं, पहले करो वीडियो को लाइक करो और अपनी कमेंट कर दिया करो एक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। चलो चलते हैं, जानते हैं आज मंडी में आलू के क्या कैसे भाव हैं और क्या आमदनी रही है और क्या सीन आगे रहने वाला है। तो आप लोग देखते हैं इधर से आया करती है आमदनी, इधर से भी होता है आवागमन और इधर देखो बिक्री वगैरह हो रही है, वो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे चल रही है आलू की बिक्री और एक दो लाट यहाँ पे बिक्री भी हो चुकी है। तो आज जो है जानते हैं कि निबल में आलू के क्या भाव रहे हैं और सुपर में क्या रहे हैं और लाल के क्या हैं, सफ़ेद के क्या हैं। तो यहाँ पे एक लाट जो है निबल आलू की बिक्री हुई थी अभी, ये आप लोग देख लीजिएगा जो भरा जा रहा है, ये निबल आलू है। थोड़ा निबल का है इसमें मतलब एक तरीके का, फिलहाल में इसके किसान यहाँ पे नहीं है अभी, लेकिन इसका क्वालिटी जो है निबल क्वालिटी का आलू है। ये बहुत निबल है, मतलब ज़्यादा ही मट्टी पकड़े हैं और साइज़ भी बहुत झुलसा का मारा हुआ आलू ये है। इसका यहाँ पे 275 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से ही बिका हुआ है, 275 में निबल क्वालिटी का भाई, 275 रुपये में। और इधर भी एक लाल लाट की बिक्री हो रही है, इधर देखो यहाँ पे लाल आलू बिक्री चल रही है। ये भी इसी खेत में लग रहा है झुलसा की वजह से छोटा साइज है। इसकी भी बिक्री निबल की वजह से नहीं हुई, ये बाद बाकी ये देखो अच्छा आलू का टाइग लाल, इसका देखते हैं। ये लाल वाला देखो यहाँ पे, इसका पूरी गाड़ी में लाल आलू है। तब तक देखो इधर बिक्री हो रही है, उससे पहले आपको कुछ ये लाट जो लाल आलू पड़े हैं निबल क्वालिटी के वो दिखा देता हूँ। ये देखो ये भी जो आलू है ये न्यू आइलैंड आलू है, इसकी किसी ने खुदाई कर दिया है, लेकिन भाई मैं गारंटी देता हूँ उसमें झुलसा की वजह से इसका साइज नहीं बढ़ पाया है। ये देखो झुलसा का मारा हुआ आलू लगा, मतलब ये झुलसा की वजह से ये भी नहीं बढ़ पाया है, इसका भी थोड़ा मतलब निबल लागल मालूम पड़े। इसके किसान है यहाँ, इसके भी नहीं, इधर भी देखो ये बहुत छोटा छोटा आलू पड़ा, इसकी भी बिक्री नहीं हुई है, मतलब बहुत छोटे आलू आ रहे हैं मंडी में यार, साइज तो सबका गड़बड़ा रहा है। ये देखो एक लाटा और खुल रही है नई, इसका भी छोटा है। ये लाल आलू की देखो यहाँ पे बिक्री हो गई है, राम मोहन भाई लिए हैं इसको और आलू आरती मोनू भैया की दुकान पे बिक्री हुआ है। और ये लाल आलू देखो फिलहाल में 440 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिका है, 440 में।
इसके किसान को नदाब हो हैं? कहाँ से आते हो? कर्पूर जनू से आए हो। कितने दिन का आलू हो गया था ये? 2 महीने का। बेल चली गई थी, झुलसा आया था, मतलब तभी जल्दी खुदाई कर दी है। अभी खोदने वाले नहीं थे लग रहा। अच्छा अच्छा, क्या भाव बिका ये आलू? 440। कितने कट्टे थे? इसकी भाई क्वालिटी देख लो, लाल आलू है और 440 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिका ये। और बाद बाकी भी ये निवल पड़े हैं, अभी बिक्री नहीं हुए हैं, और उधर सफ़ेद पड़ा, इसका भी बिक्री नहीं हुआ है, और जो भी बिक्री होते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे। ये वाला 440 में बिक्री हुआ है। इधर देखो और बिक्री हो रही है। और ये देखो आलू तो आज बहुत आए हैं, क्योंकि कल मंडी बंद होने के कारण जो है आज मंडी में आमदनी तो आ रही है और बिक्री भी चल रही है धड़ल्ले से। और कल तो मंडी बंद रहेगी पूरी तरीके से 22 जनवरी को। देखो 10-5 रुपए कम कर देते, लेकिन उसमें भजन है। भजन बांटे तो 430 की बिकी। हाँ, हाँ वीडियो बन गई 430 में। अरे यार भाई भाई लोग क्लियर करो, हो गया, हो गया काम, इतने में तो हो गया 430 में काम हो गया इसका। ये देखो क्वालिटी जो है भाई, इसमें भी पक्का झुलसा आया होगा, बेल गई होगी इस खेत की भी, तभी देखो साइज है इसका गड़बड़, मतलब हर साइज का आलू दिखे समझो झुलसा वाला आलू है ये। 430 रुपए में ये भी बिक्री हुआ है भाई साहब। इधर ये भारी भीड़ जा रही है, भारी भीड़ पता नहीं इधर भाग जाती है यार फटाक से। हाँ यार फटाक से आलू सामने पड़ा है ना, ये एकदम ढेर सा, लगभग ये सैंपल लगभग 4-5 कट्टे डाले गए हैं। बिक्री बहुत मस्त है, बढ़िया तरीके आलू बिक रहे हैं। और ये भाई लार्ज है 400 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से लाल वाला बिका, इसमें घोघिया है 400 रुपए में ये वाला बिका है, घोघिया वाला नहीं। हाँ। वो रात ही वाले में लिख रहे हैं, लिख ले। 400 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से ये वाला घोघिया आलू है। इसमें कहाँ घोघिया है भैया? ये देखो इसमें घोघिया है, ये 400 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिका है। जो है सफ़ेद और लाल आलू की बिक्री हो चुकी है। और ये आलू जो है इसका भाव यहाँ पे 315 रखा गया है, मिट्टी लगा हुआ आलू है। और इसका क्वालिटी आप लोग देख लो भैया, 315 रुपये पैकेट के हिसाब से। ये इसके किसान कहाँ है नसीम भाई? इधर आओ। ये आलू व्यापारी हैं। आज मंडी में क्या आमदनी है? आमदनी मुझे आज है ना 10 गाड़ी की आमदनी। अरे नहीं होगी 10 की यार, 10 की होगी नहीं यार। हाँ 10 की नहीं होगी, नहीं होगी, बहुत कम आमदनी, बहुत कम आमदनी। कल मंडी बंद है? कल मंडी बंद नहीं है, मगर है ना आमदनी नहीं होगी। कल बंद है यार, बता रहे बंद नहीं है। अच्छा, सब बात बाद में, लेकिन बिक्री नहीं होगी ना? बिक्री नहीं होगी। अच्छा, अच्छा आलू भी नहीं आएगा, बिक्री भी नहीं होगी, तो बंद है समझो। किसान ना लाए, सरकारी छुट्टी नहीं है, कल किसान ना लाए, किसान ना लाए आलू, लेकिन क्यों ना लेके आए, खरीदोगे आप? बिल्कुल। अरे आलू लेके आएंगे, उनका खरीदा जाएगा, खोद के लाता है तो उसको है ना भगा थोड़ी दिया जाएगा भाई मंडी से। अच्छा, हाँ खरीदा जाएगा, बिकेगा आज, मतलब जो है आज पोजिशन ये समझिए ऊपर में 350-60 रुपए। हाँ। और नीचे में 300 रुपए, 280 रुपए। अच्छा सफेद आले, सफेद आले, लाल लाल आलू का भाव भाई साहब ये समझिए 450 पड़े हैं ऊपर, 450 बढ़िया लाल चार। ये आपने लिया ना जी? 315 में वो लिया, 335 रुपए वो देखो 335 वाला, इसका बहुत देर से बिक्री हो रहा था, ये 335 रुपए में बिका है। हालांकि मंडी में आज आलू बहुत कम है, तो क्वालिटी भी थोड़ी मतलब ज्यादा नहीं आ रही है, तो उस वजह से मंडी में अच्छा आलू जो होगा वो 360 रुपए तक सफ़ेद आलू की बिक्री हो सकती है, और लाल वाला आपका भाई बिकेगा जाके 400 से लेके 450। इसके किसान कहेंगे तो दादा यहाँ आओ, आपका है ना ये वाला 315 वाला, कहाँ से आते हो आप? अलाउद्दीनपुर से। उधर झुलसा उलसा है? नहीं नहीं झुलसा नहीं, नहीं झुलसा है। और इस आपके खेत में झुलसा था? नहीं था। अच्छा फिर आलू था क्यों, क्या वो मतलब मट्टी लगा हुआ? आलू मट्टी ला है गीला खुद गया ना। अच्छा 315 बिका, 315 बिका। दादा आप कहाँ से आते हो दादा? हम तो रूगन से आते यार। कहाँ भाई है दादा? बिदुला के पास, बिदुला बिदुला। उधर उधर आलू फसल कम होती है? होती है। अच्छा झुलसा झुलसा है? नहीं कोई झुलसा नहीं, कोई झुलसा नहीं। आप 315 बिक गया है ये वाला, दिखा दिया 315 है, और वो तीन ये 400 वाला है, और वो 335 वाला है। और यहाँ पे लगभग जितनी लाटें थी सब आलू बिक्री हो चुका है। आज सफ़ेद आलू का भाव 300 से लेकर 360 रुपये। हाईलैंड बिक गया, ये बिक गया,
क्या भाव? मोनू भाई पूछो जरा, मोनू भैया ये वाला क्या भाव बिका? 300। ये देखो हाईलैंड है, थोड़ा निबल है, बहुत निबल है, मतलब इस वजह से ये 300 रुपये में बिका भाई। बहुत ज़्यादा मतलब छोटा साइज है, 300 रुपये में बिक्री हुआ ये वाला। देखो मोनू भैया सफ़ेद आलू ऊपर में क्या भाव रहे? 350 रुपये। 350 ऊपर में, अगर बाई चांस होता है 10-5 रुपये ऊपर नीचे हो जाए तो पता चला चार लेवल खड़े हो गए। अच्छा आलू है कल के लिए किसानों को क्या मतलब? कुछ लोग पूछ रहे यार कल लाएं आलू की ना लाएं। कल मंडी पूर्णतः बंद है, खरीद बिक्री, ना गाड़ी लोड होगी ना उतरेगा माल, कोई काम नहीं होगा। लाल के क्या भाव है? 450 रुपये। 450 रुपये लाल के भाव हैं, और सफ़ेद के 350 रुपये ऊपर में भाई, और निवल में वही 280, 300, 310, 315 ऐसे करके बिक्री मंडी में बराबर हो रही है। आमदनी बड़ी मुश्किल से अभी 5-6 मोटर की होगी, और आज आमदनी बहुत कम। तो ये था आज का आलू का भाव।